दोस्तों, मैं हूं चांदनी हिंडोजा और आप देख रहे हैं न्यूज एंड न्यूज। न्यूज एंड न्यूज में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज एंड न्यूज। देखिए सिर्फ हकीकत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। तुम्हारी या
सदके गुलशन रसूल या इलाही सदके जान बतू या इलाही सदके आले रसूल ये सलामे आज जाना हो वाले नौजवान हमारे यहाँ भाई हैं, अफ्तार का इंतजाम करें परवरदिगार, इनके अफ्तार को कबूल फरमा, इनकी हर नियत जायजाओं को कबूल फरमा, इनके मकसद में कामयाबी का फरमा। शहीद आए फिदायन हुसैन अंदर कमेटी के जितने भी नौजवान हैं, इनकी उम्र में बरकतें अता फरमा, इनके माँ बाप का साया कायम अता फरमा, आने वाली तमाम नागहानी आफत बलिया से महफूज फरमा। शहदाए करबला का वसीला, सरकार जिना वर्सेस सगलैन का वसीला, नबी का वसीला, हर वली का वसीला, हर मुसलमान की इज्जत आबू की हिफाजत फरमा। बंद हुआ मैदान में लंगर का एहतमाम किया गया है। आप तमाम अजाब से गुजारिश है कि खुदा जाने हुसैन लंगर कमेटी के लंगर खाके शुक्रिया कमेटी को शुक्रिया का मौका दें। बड़े सुकून के साथ वहाँ लंगर खिलाया जा रहा है, तमाम अजाब वहाँ शिरकत फरमाएं। न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम जबलपुर संस्कारधानी में मौजूद हैं। यहाँ किस तरह से लंगर किया जाता है मुहर्रम की 9 तारीख को 10 तारीख को, और ये जो आपने पूरी लाइटिंग देखी है यहाँ पे फिदायाने हुसैन लंगर कमेटी की जानिब से यहाँ पे की जाती है हर साल, और यहाँ पे रमज़ान में इफ्तार भी किया जाता है। यहाँ पे आज रोज़ा इफ्तार भी किया गया मुहर्रम में, और यहाँ पे जो उनकी कमेटी की जो मेम्बरान हजरात हैं जिन्होंने दिलो जान से इसको सींचा, इस कमेटी को, आइए हम इसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल शारिक नाम है मेरा। ये जो हम कमेटी जो चला रहे हैं ये बरसों से चला रहे हैं, बस इमाम अली मुकाम का सदका है कि बस हमको बस इसी तरह से मौका मिलता रहे कि हम ये काम को अंजाम देते रहें, तमाम रोज़दार भाइयों को रोज़ा खुलवाएं और तमाम भाइयों को जो है वो लंगर का अहतमाम करवाते रहें। अच्छा ये बताइए वल्लू, यहाँ पे किसी किस्म का सिर्फ क्या मुसलमानों के लिए रहता है, सभी धर्म के लोगों के लिए? सब धर्म के लिए, सभी धर्मों सब के लिए इंतजाम किया जाता है, सबके इंतजाम है, सब भाईचारे, सब मिलके खाते हैं, खड़े हो हमारे साथ। हम यही चाहते हैं कि हमारे जितने भी भाई हैं, हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, सिख भाई हो, सब कंधे से कंधा मिलाकर इमाम अली मुकाम का जो है उर्स मुबारक मनाएं। तो देखा आपने संस्कारधारी में किस तरह से एक मिसाल है यहाँ पे एकता की, हमारे देश को यहाँ से एक मैसेज जा रहा है और उस पर अमल भी करना चाहिए यहाँ पे, कि सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर इस त्यौहार को मना रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा किस तरह से यहाँ पे सब लोग लंगर खा रहे हैं, शरबत पी रहे हैं, इमाम अली मकाम को मना रहे हैं। हमारे साथ मौजूद इस कमेटी के वरिष्ठ हाजी इकबाल खान साहब, ये हमें बताएंगे ये जितने फिदायाने हुसैन लंगर कमेटी क्या क्या साल में जो प्रोग्राम करती हैं इसके बारे में हमें जानकारी देंगे। जी इकबाल भाई बताएं। जी अवतार कर आती है, बहुत बड़ा अवतार होता है ये, जबलपुर में 9 तारीख को ये लंगर अवतार होता है, ये बहुत बड़ा अवतार होता है, और मुहर्रम का अलग होता है, रमजान शरीफ का अलग होता है अवतार, बिल्कुल आम अवतार रहता है ये, कम से कम 4 से 5 क्विंटल खाना लगता है इसमें। सभी सब सभी के लिए, सभी के लिए, और मतलब इसमें जो भी नौजवान हिस्सा लेते हैं वो आज अच्छे कारोबार में है, सब
और उसमें फले फूले इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला के सबके में। अच्छा, हमारे पूरे देश और पूरी दुनिया की जनता देख रही है जो ये लाइटिंग लगी है, जो माशाल्लाह बहुत शानदार लाइटिंग है। कितनी तारीख से लग जाती है यहाँ पे? ये चांद की 1 तारीख से लग जाती है। कब तक रहती है ये? रहती है 10 तारीख 12 तारीख तक रहेगी। 12 तारीख तक यही ये लाइटिंग लगी रहती है, जिस तरह से आपने पूरा देखा है यहाँ पे। फिदायाने हुसैन लंगर कमेटी की जानिब से की जाती है और हमारी दुआ है कि हमेशा इसी तरह कयामत तक जारी और सारी रहे। आज